राजस्थान की धरती चुनावी कोलाहल से गूंज रही है। मेरे आने से पहले हर तरफ नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए माइक थामे है। लेकिन इस चुनावी कोलाहल में राजस्थान का एक इलाका ऐसा भी है जहां सिर्फ सन्नाटा साए साए चीखता है, जहां एक जमाने में आलिशान रहे मकान खंडहर की शक्ल में वीरान पड़े हैं, जहां एक मंदिर में भगवान तो दिखते हैं लेकिन भक्तों का पता नहीं। ये वो जगह है जहां राजस्थान के चुनाव का शोर कभी नहीं पहुंचा। ये गांव राजस्थान का वीरान गांव कुलधरा। कुलधरा के साथ ना जाने कितनी दंतकथाएं, कितनी ही अफवाहें और कितने ही अंधविश्वास जुड़े हैं। इस गांव पर शोधकर्ताओं ने शोध किए, समाज में तरह तरह के किस्से कहे गए, लेकिन आज हम आपको कुलधरा का वो सच दिखाएंगे जो इस गांव के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला है। कुलधरा की कहानी सुनने में बहुत रोमांचक लग रही थी, लिहाजा राजस्थान के चुनावी सफर के दौरान हम जब जैसलमेर पहुंचे तो अपने कैमरामैन पंकज तोमर के साथ निकल पड़े कुलधरा का रहस्य जानने, जो अब एक पुरातात्विक स्थल में बदल चुका है। राजस्थान का शहर जैसलमेर, इसी आबाद और ऐतिहासिक किले से 18 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव है जहां सदियों से कोई नहीं रहता। इस गांव तक पहुंचने के लिए न्यूज 18 की टीम ने जैसलमेर का चुनावी समर छोड़कर वीराने तक की यात्रा शुरू की। जैसलमेर से 18 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमारी टीम पहुंची कुलधरा गांव में। गांव की पुरानी और विशाल प्रवेश द्वार में दाखिल होने के बाद रेत के टीले से एक बुजुर्ग उतरे जो गांव के द्वारपाल हैं। यह है कुलधरा के द्वारपाल और गांव के इकलौते चौकीदार सुमार भील। सुमार भील के पुरखे कभी इसी गांव में रहते थे, लेकिन अब यहां के पालीवार ब्राह्मणों ने पलायन किया तो उनके पुरखे भी गांव से बाहर आ गए। सालों से वो गांव के मुख्य द्वार के बाहर चौकीदारी करते हैं। हमारी जिलम भूमि वही है राधा, हमारी जिलम भूमि है ये। जी, कहते हैं यहाँ पे पहले गांव थे, लोग रहते थे, अब कोई गांव का आदमी कोई यहाँ नहीं रहता। अभी अभी तो ये गवर्नमेंट के हैंडल में है जी, लेकिन अभी मालक इस नगरियों का मालक अभी आते हैं, पधारते हैं यहाँ पे, देखते हैं पालेवार। सुमार दिन रात यहीं रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गांव के बारे में लोगों ने मनगढ़ंत अफवाहें फैला दी हैं। सुमार के साथ हम गांव पहुंचे और दो सदी पुराने उजाड़ मकानों को देखकर दंग रह गए। समय के साथ खंडहरों में तब्दील हो चुके अनेकों घर, सदियों पहले यहां लोग रहते थे, लेकिन एक बसा बसाया गांव एक झटके में उजड़ गया। कुलधरा के इस पूरे गांव में टूटे हुए खंडर ये दिखाते हैं कि किसी समय में ये गांव कितना आबाद रहा होगा। घरों के अगर नक्शे भी देखें तो लगता है कि कितनी सोच विचार करके इसे बनाया गया होगा। लगता है कि ये घर के भीतर का कमरा था जो आमतौर पर लोग रुकने के लिए महिलाओं के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बाहर का कमरा और बाकायदा खिड़कियों के निशान भी दिखाई दे रहे हैं जो उस समय में खिड़कियाँ रही होंगी। कहा जाता है कि पालीवार ब्राह्मणों का समुदाय खेती और मवेशी पालन पर निर्भर रहता था। जिप्सम की परत बारिश के पानी को जमीन में समाने से रोकती थी और इसी पानी से पालीवार ब्राह्मण अपने खेतों को सींचते थे। पालीवार ब्राह्मणों के मवेशी पालने के सबूत अब भी गांव में मिलते हैं। ये एक रथ है जिसे बैल खींचते रहे होंगे, लेकिन समय के पहियों के चाल से इसके पहिए भी थम कर जर्जर हो गए हैं। यह मोहनलाल कुलधर, इनका नाता भी इसी गांव से रहा है। मोहनलाल बताते हैं कि कुलधरा ही नहीं बल्कि ऐसे 84 गांव हैं जहां रहने वाले पालीवार ब्राह्मणों ने दो सदी पहले यहां से पलायन किया। उस समय के राजा के मंत्री ने उन लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन जब घर की महिलाओं पर बुरी नजर डाली तो इन्होंने 1825 में एक साथ पलायन करने का फैसला कर दिया। हमारे पूर्व जो थे यहां रहते थे 84 गांव के अंदर, करीब उस समय 80-70 हज़ार की आबादी थी पूरी 84 गांव के अंदर, तो अच्छे समृद्ध थे, यूरोपीय देशों से अरब देशों से व्यापार होता था, तो समृद्ध होने तो थे, ज्ञान थी था, समृद्धि भी थी, पर शक्ति नहीं थी संरक्षण के लिए, इसलिए यहाँ के लुटेरों को लूटते थे।
फिर महारावल का भी उतना संरक्षण नहीं मिला पा रहा था। वहाँ जो उस समय दीवान था, जिसको मंत्री कहते हैं, वो हावी था राजा पे, और उसने कई अत्याचार किए। बीकानेर से लड़ाई हुई तो उसका खर्चा पूरा पालीवालों से मांगने चाहा, तो उन्होंने कुछ समय मांगा तो समय में दिया नहीं। वो तो हर तरह से अपना आतंक जमाना चाहता था। तो इस कारण क्या है कि फिर उन्होंने देखा कि अपने स्वाभिमान के बचाने के लिए उसने कुछ एक दो शर्तें ऐसी भी रखी कि आपकी बच्चियाँ उनसे हमारी शादी करो, ऐसा करो। तो उन्होंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए यहाँ से एकदम पलायन कर लिया। कुलधरा के बारे में जानकारी है कि 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने 600 घरों वाले कुलधरा को बसाया था। कुलधरा के आसपास 84 गांव थे और इन सभी में पालीवाल ब्राह्मण ही रहा करते थे। कहा जाता है कि वहां के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पालीवाल ब्राह्मणों की एक बेटी पर पड़ गई। इसीलिए 1825 की एक रात सभी ब्राह्मणों ने एक साथ कुलधरा के 84 गांवों से पलायन कर दिया। मोहनलाल बताते हैं कि भारत की आजादी से पहले ये सबसे बड़े पलायनों में से एक था, जिसके प्रमाण इतिहास की इस किताब में होने का दावा करते हैं। अगर ऐसा ना हुआ होता तो चुनावी शोर से महरूम रहने वाले गांव में नेता फेरे लगा रहे होते। पलायन हुआ 1825 के अंदर ईस्वी सन में, उस समय 1,07,000 आबादी थी, इसलिए छोटी रियासत थी। उसमें से 68,000 अकेले पालीवाल थे और घर 25,000 के करीब थे, 17,000 गरीब घर अकेले पालीवाल ब्राह्मणों के थे। आज अगर एक मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो यानी कि बहुत बड़ी जनसंख्या बिल्कुल हो सकती है साहब, लाखों में थी, लाखों 7-8 लाख हो सकते हैं। आप 200 साल तो हो गए, 153 साल हो गए निकले, तो कम से कम 8-10 लाख तो होती और हर तरह से मजबूत रहते, क्यों जनतंत्र है, जनता का राज है, तो 7-8 लाख होते तो अच्छी उनकी पूछ होती। कुलधरा की इन वीरान खंडरों में लोग बुरी आत्माओं के होने का दावा भी करते रहे हैं, लेकिन मोहनलाल बताते हैं कि ये सब अफवाहें हैं। भूत की सब तो किसे बनाए हुए हैं, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसी बातें बनाई जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कहीं सही पिछले 50-60 साल से आते जाते हैं, पर्यटकों के साथ भी जाते हैं, पूरे समूह हमारे समाज का समूह आता है उनको भी ले जाते हैं, हमारे समाज के भी भारत के कोने कोने से आते हैं उनको साथ लेकर जाते हैं, तो रात भी वहाँ रुकते हैं, कई बार भजन संध्या भी रखते हैं, मंदिरों में पूजा भी करते हैं, कुछ नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने गांव छोड़ते समय श्राप दिया, यहाँ कभी आबादी नहीं बसेगी। देश आजाद हुआ लेकिन गांव नहीं बसा, यानी कभी इन गांवों में कोई वोटर ही नहीं मिली। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन आता है, देशी विदेशी सैलानी यहाँ घूमने आते रहते हैं। कुलधरा के ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी सशक्त थे, क्योंकि कुलधरा के अवशेषों से साफ है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। इनमें बड़े बड़े पत्थरों के स्तंभ हैं, इन पर शानदार नक्काशी है। सीढ़ियां ये भी बताती हैं कि कुछ मकान 2 मंजिला भी थे और मकानों को हवादार बनाए रखने के लिए खिड़कियां भी थीं और सज्जा के लिए कलाकृतियां भी। लेकिन आज ये मकान शमशान के सन्नाटे से भरे हैं और खिड़कियां कंकाल की आंखों से खाली हैं। अब इन मकानों को देखने दिन चढ़े सैलानी आते हैं। मोहनलाल जब भी सैलानियों से मिलते हैं तो उनकी शंकाओं का समाधान भी करते हैं। कुलधरा के इस गांव में बसने वाले तो उजड़ गए, लेकिन इस वीराने में आज भी उनका अतीत और सभ्यता झांकती रहती है। गांव के इन मकानों के बीच ही है कुलधरा के कुलदेवता का मंदिर। इस समय हम कुलधरा के मंदिर में हैं। ये मंदिर का भीतरी हिस्सा है, हालांकि आप देख सकते हैं कि बाहर से देखने पे साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर कभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा रही होगी, मूर्तियां रही होगी, हालांकि अब समय के साथ वो नहीं है। लेकिन इस तरीके का जो ये गेट बना हुआ है और गेट के पास आप देखें कि पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जो ये साबित करती हैं कि ये मंदिर था और यहाँ पर लोग, यहाँ के जो गाँव के लोग थे वो पूजा करते थे। दोनों तरफ जो मुख्य है, द्वार है, उस पर ये दिखाई दे रहा है। और कई ऐसे पुराने शिलालेख भी यहाँ पर मिलते हैं जिनमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, हम हालांकि इसे नहीं समझ पा रहे तो मदद लेते हैं। परेल जी, इसमें क्या ये लिखा हुआ है? श्री गणेशाय नमः, संवत 1873 प्रति आशोज मास मिति, मिति मतलब तिथि, मिति आशोज वदी चौथ ब्राह्मण रामचंद्र देवली देवरानी, मतलब इनके दादा का नाम है, जाति कुलधर, ये
तो यानी उनके बारे में लिखा गया है, तो ये पूरा ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि ये मंदिर गांव का रहा होगा, समय के साथ पूरा गांव खाली हो गया, मंदिर भी खाली हो गया, और यहाँ पर जो पुराने लोग आते हैं वो ज़रूर अभी भी इसके स्ट्रक्चर को देख करके, इसकी बनावट को देख करके ये अंदाज़ा लगता है कि किसी ज़माने में यहाँ पर गाँव के लोग आकर के पूजा किया करते थे। जर्जर हो चुके इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने बचाने की कोशिश की है। मंदिर के भीतर प्राचीन कलाकृति नक्काशी दिखाई देती है। मंदिर के भीतर भगवान विष्णु की प्रतिमा है, बड़े बड़े प्रस्तर खंड हैं, दीवारों पर लिखे शिलालेख हैं और दीवारों पर लाल रंग के हाथों की छाप। मोहनलाल बताते हैं कि शादी के बाद नवविवाहित जोड़े मंदिर में आशीर्वाद लेने आते थे तो दीवार पर अपने हाथ की छाप बनाते थे, समय के साथ कुछ की छाप बची। कुलधरा का मंदिर वास्तुकला का अनूठा नमूना है, जो पालीवार ब्राह्मणों की धर्म आस्था और उनके कला प्रेम का नमूना है। उस दौर में यह मंदिर भी दो मंजिला बनाया गया था। मंदिर की छत से मंदिर के छत्र नजर आते हैं, पत्थरों के इन छत्रों पर शानदार नक्काशी की गई है। इसी मंदिर की छत से यह भी दिखता है कि गांव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बसाया गया था। मंदिर गांव के अंदरूनी हिस्से में है और मंदिर की छत से उजड़े मकान और चौड़े चौड़े रास्ते नजर आते हैं। इस गांव के उजड़ चुके ब्राह्मणों के वंशज आज भी गांव में आते हैं और अपने अतीत को देखकर भावुक हो जाते हैं। बहुत लोग आते हैं, जब आते हैं ना तो फिर उनको गांव छोड़ना वापस मुश्किल हो जाता है। महिला है वहां पर रो रो ना क्या मुश्किल हो जाती है, उनको घर छोड़ना मुश्किल हो जाता है। वो तो अब तो हम यहीं रहेंगे, उनके पूर्वजों के किस्से जब उनको याद आते हैं तो वो मतलब छोड़ना नहीं चाहती है। फिर भी धंधा तो वहाँ है, रोजी तो वहाँ है, तो इसलिए फिर यहाँ रहें तो किसे देने। पर भावुकता इतनी आ जाती है कि भाव विवल होकर के बस बच्चे रोजने तीन तीन पीढ़ियाँ साथ में आती है और 10 दिन आते हैं तो एक दिन दो दिन के लिए 10 दिन यहाँ रुक जाते हैं। आज़ादी के बाद यहाँ कोई वोटर कभी नहीं रहा, लेकिन अब पर्यटक घूमने आते हैं, कोई पलायन की कहानी जानने तो कोई सुनी अनसुनी कहानियों का सच जानने। देखने आए हैं स्टोरी सुनने के बाद। क्या स्टोरी आपने यहाँ के बारे में? एक दिन कोई लोकेलिटी के 80 परिवार एक ही दिन में गायब हो गए, तो कोई तो राज होगा ना शायद इसके पीछे, मैंने अभी तो कोई नहीं जा सकते। वही सुना, बार बार स्टोरीज पढ़ रहे डॉक्यूमेंट्रीज में देख लिया, डिस्कवरी में या फिर हिस्ट्री चैनल पे, उसके बाद ही हम लोग आए यहाँ। कुछ लोग यहाँ पे भूता बातें भी करते हैं कि इस तरीके की कुलधरा के बाद हमने फर्स्ट नेट में देखा था, नेट में यूट्यूब में आते जो आते हैं, खूब मैंने बहुत इंटरेस्ट था इसमें, जो इधर कैसे ऐसी का जैसे गांव के लोग कैसे उधर हो गया, खूब मैंने जानने का इच्छा था और कैसे ये लगता है देखने में, ये भी जानने का खूब बहुत इच्छा था। गांव के उजड़ जाने के बाद यहां कभी कोई नहीं लौटा, न सरकार ने इसे बसाने की कोशिश की और श्राप के चलते ना ही स्थानीय लोगों ने यहां बसने की सोची। नहीं, हम सब गए थे ना, और अभी 80-70 साल से पहले तो राजाओं के राज था, तो इन्होंने खूब कोशिश की लाने की भी, क्योंकि इनके राजस्व का आय तो मैं हस्तांतर तो पालीवाल ब्राह्मण ही थे ना, उनका ही आय था, वही सब देते थे वो सब के, इनको ने कोशिश पर इन्होंने जब त्याग दिया एक बार शपथ खा करके कि हम इस राज्य में नहीं लेंगे, जहाँ जो राजा हमको संरक्षण दे सकता उसके राज हम क्यों रहे, तो वहाँ चले गए, वहाँ अच्छी तरह उनकी कमाई थी सारी, तो क्यों आएंगे यहाँ पे। कभी सरकारों ने राजाओं के टाइम के बाद अब पिछले 50-60 सालों में कभी सरकारों ने कोशिश की नहीं, नहीं से यहाँ पर लोग बसे हैं दोबारा से, जिन लोगों का गांव है वो यहाँ पर आए नहीं, नहीं, नहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसी प्रयास नहीं। जैसलमेर जिले में कई ऐसे गांव हैं जिनमें वोटर नहीं है, अगर इन गांवों में जनता होती तो चुनावों के इस मौसम में नेताओं का आना जाना रहता, लेकिन अब सिर्फ पर्यटकों की आमद रहती है और उनकी गैर मौजूदगी में पसरा रहता है सन्नाटा।